टाइप 3। इस किस्म के तैयार होने की अवधि 150 से 155 दिन, उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम बीज दर से 25 जून से 10 जुलाई तक बीज गिराना चाहिए। रोपाई के लिए 15 से 20 दिनों का बिचड़ा सही होता है। राजेंद्र सुवासिनी। इस किस्म के तैयार होने की अवधि 118 से 120 दिन, उपज क्षमता 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम बीज दर से 25 जून से 10 जुलाई तक बीज गिराना चाहिए और इसकी रोपाई 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। राजेंद्र कस्तूरी। तैयार होने की अवधि 120 से 125 दिन, उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम बीज दर से 25 जून से 10 जुलाई तक बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई भी 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। राजेंद्र भगवती। तैयार होने की अवधि 110 से 115 दिन, उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम बीज दर से 25 जून से 10 जुलाई तक बीज गिराएं और इसकी रोपाई भी 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। सबौर सुरभित। तैयार होने की अवधि 115 से 120 दिन, उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम बीज दर से 25 जून से 10 जुलाई तक बीज गिराएं और इसकी रोपाई भी 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। आइए अब बोरो धान के प्रभेद के बारे में जानते हैं। गौतम। 175 से 180 दिनों में तैयार होने वाली यह किस्म 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। नर्सरी में बिचड़ा लगाने के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बीज गिराएं। ध्यान रहे कि इसकी रोपाई जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी माह के दूसरे सप्ताह तक 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। ये सारी बातें प्रभात और रिछारिया नाम की बोरो धान की दो अन्य किस्मों पर भी लागू होती हैं।